हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हैंड्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेस्ट बोतल से ये डॉल प्लांटर बनाना बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट कार्डबोर्ड से फ़ोटो फ्रेम बनाना बताऊंगी। तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम आज हम बनाना सीखेंगे। ये वाला फ़ोटो फ्रेम, इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कि पेपर ले लिया है और उस पर जो मेरे फ़ोटो का जो साइज़ है वो मेंशन करके उसके जो आसपास बॉर्डर है उस पर मैंने कुछ डिज़ाइन बना ली है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को हमें इस कार्डबोर्ड के पीस पे चिपकाना है। तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है फ़ोटो अपने फ़ोटो के साइज़ का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, उसी स्पेस में हमें ये डिज़ाइन चिपकानी है। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर हम इसे पेस्ट करेंगे। डिज़ाइन काटने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया है एक तरफ, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं या आप इसकी डिज़ाइन बना भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ डिज़ाइन बना ली थी और फिर उसकी कटिंग कर ली है कटर से, क्राफ्ट कटर से। तो अब मैं इस पर डिटेलिंग करूँगी। उसके लिए मेरे पास ये पेपर मैशे क्ले है, इसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और बस अब हम इस क्ले से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो क्ले वर्क करना है, बस हमें पानी लगा के स्मूथ करते जाना है और इस डिज़ाइन पे इसको पेस्ट कर देना है। पानी लगा के हम इसमें स्मूथ करते जाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर भी आ जाएगा। फेविकॉल लगा लीजिए पहले आप अपने डिज़ाइन पे, उसके बाद ही आप क्ले को चिपकाइएगा। इस पे डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास ये टूल है, इससे मैं इसकी डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ़ से भी बना सकते हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास आप उसकी हेल्प से ही कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम पूरी डिज़ाइन पे क्ले वर्क कर लेंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये मेरा क्ले वर्क पूरा सूख चुका है। मैंने इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से इसको फिनिश भी कर लिया था थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ दिखे। अब आई इसके ऊपर कलर करने की बात, तो कलर की चॉइस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।